क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंगली क्यूरी ने ये कहा, मैडम क्यूरी जिसे बोलते हैं, क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म को एक बार स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू दिस क्यूरीज लॉ, जो आई है, आई का मतलब सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। क्यों? जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी लूज हो जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, जितना बी अप्लाई करोगे या एच अप्लाई करोगे आई भी बढ़ेगा। तो बी फर्दर एच के प्रोपोर्शनल है, तो सीधा लिख दो आई प्रोपोर्शनल टू एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। एच नीचे आ गया आई बाई एच, आई बाई एच क्या होता है काय, तो काय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काय उतना कम हो जाएगा और कांस्टेंट लगेगा सी, क्यूरीज कांस्टेंट। तो ये लॉ यूज करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो ये क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म।